वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स गाइज, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं द न्यू लॉन्चिंग महिंद्रा XUV700 के बारे में। आज हमारे सामने जो इस गाड़ी का वेरिएंट है वो है AX7 लग्जरी पैक, जो इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट है। आज हमारे सामने ये है एवरेस्ट व्हाइट कलर के अंदर। आज हम इस कार के एक्सटीरियर के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हम गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करते हैं तो पहले गाड़ी की कीज़ देख लेते हैं। की कीज़ जो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है आपको इसके अंदर, ये आपको फ्लिपेबल की इसके अंदर मिल जाते हैं। फ्लिपेबल से इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन नहीं है, इसके अंदर फ्लिपेबल का ऑप्शन भी इसके अंदर दे रखा है, बाकी पुश स्टार्ट बटन भी है। बाकी तीन बटन के अंदर मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और एक बूट ओपनिंग का स्विच इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है। बाकी पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू महिंद्रा का जो लोगो है ये आपको इसकी की पर भी जो है देखने को मिलेगा। एंड फिर डीप डाउन गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट में सबसे पहले जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो है महिंद्रा का न्यू लोगो जो है यहाँ पर उसके नीचे। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे की साइड आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसकी जो क्रोम ग्रिल आपको जो है देखने को मिलती है, इसके मिड में जो है आपको कुछ कुछ क्रोम देखने को मिलता है। बाकी एरोडायनामिक शेप में इसकी जो है ग्रिल आपको फ्रंट वाली देखने को मिलती है, उसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश जो है देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके जो इसके फ्रंट हेडलैम्प्स है वो आपको LEDs मिल जाते हैं, LED DRL वगैरह इसके अंदर मिल जाती है। सबसे LED ही इसके अंदर फ्रंट जो है आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ साथ इसके फॉग लैंप्स भी आपको जो है LED वाले जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी इंटेंसिटी कुछ आपको इस तरह से देखने को इस गाड़ी में मिलेगी। साथ साथ उस फॉग लैंप को कवर करती हुई पूरी ब्लैक ग्रिल और साथ साथ मिड में यहाँ पर जो है एयर डैम को कवर करता हुआ ये पियानो ब्लैक फिनिश आपको जो है देखने को इसके अंदर फ्रंट में यहाँ पर अवेलेबल जो है देखने को मिलेगी। बाकी फ्रंट से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बल्की और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एक देखने को मिलती है। इसके हेडलैम्प्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी और प्रीमियमनेस इसके फ्रंट में जो है ले आते हैं। एंड उसके साथ ही इसका हुड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिससे एक बड़ी SUV प्रॉपर SUV वाली जो फील इस कार के अंदर आपको मिलने वाली है। सो ये हुई सारी बातें गाड़ी के फ्रंट के बारे में। अब चलते हैं गाड़ी के साइड में और बात करते हैं गाड़ी के साइड के बारे में। तो साइड से अगर गाड़ी को जैसी देखते हैं, गाड़ी की लेंथ जो है आपको 4695 mm जो है मिलती है, 4.5 मीटर से भी ज़्यादा इस गाड़ी की जो है लेंथ आपको देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी और रोड प्रेजेंस आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। एंड फिर जैसे ही गाड़ी के डीप डाउन यहाँ पर अगर हम बात करें गाड़ी के साइड के बारे में, तो यहाँ पर जो है इसके अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसका टायर साइज़ होगा 235/60 R18 इंच के जो है इसके अंदर अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। इसमें ओल्ड डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे। साथ साथ मिड में यहाँ पर आपको न्यू महिंद्रा लोगो आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको ये व्हील आर क्लैडिंग आपको जो है यहाँ पूरे टायर के ऊपर से जाती हुई पूरा पीछे तक जो है कवर ऑन करती हुई इस गाड़ी के अंदर जो है मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर इसके अगर ORVM यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर की बात करें तो ये आपको ड्यूल टोन में इसके अंदर जो है मिलेंगे ब्लैक और वाइट कलर के अंदर। साथ साथ इसके अंदर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के लिए यहाँ पर जो है कैमरा इसके अंदर दे रखा है यहाँ पर। एंड उसके साथ ही फिर अगर हम यहाँ पर इसकी वेदर स्ट्रिप्स की बात करें, आपको क्रोम वाली जो है मिल जाएंगे। साथ साथ इसके अंदर पॉपअप डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे, आप जैसे इसको प्रेस करते हैं ये पॉपअप हो जाते हैं। एंड उसके डोर हैंडल्स की बात करें तो ये जैसी में जब मैं पहली बार खोल रहा था इसको तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कि इसका डोर का वेट जो है काफ़ी ज़्यादा है और अगर इसमें कुछ ज़्यादा खींचूंगा तो ये टूट ना जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ये टूटने नहीं वाले हैं, बट ऐसा मेरे को फील हुआ इसके अंदर। बाकी इसमें जैसे ही ओपन करते हैं इसके अंदर वाइड एक आपको जो है ओपनिंग इसके अंदर मिल जाती है, इनग्रेस और एग्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसके अंदर होने वाला है। पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। बाकी इंटीरियर के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले, बाकी एक्सटीरियर के बारे में अगर अगेन बात करें तो बी पिलर इसका पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, साथ साथ सी भी इसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, और यहाँ पर जो है आपको DLO रियर सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, और डी भी आपको जो है इसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिश ही इसके अंदर पिलर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो है साइड लुक जो है गाड़ी का कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एंड उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर जो है रह गई है, यहाँ पर जो है रूफ रेल इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की ब्लैक और इसके अंदर सिल्वर कलर की जो है रूफ रेल इसके अंदर यहाँ पर जो है अवेलेबल मिल जाएगी। सो ऑल एंड ऑल गाड़ी का साइड लुक जो है कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलता है। बाकी रियर की बात करें, मैं रियर आपको दिखाया था, ज़्यादा स्पेस मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, बट स्टिल मैं आपको जो है रियर जो है पूरा का पूरा शो ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड अगर रियर में देखेंगे तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, साथ साथ वॉशर इसके बराबर में यहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे की साइड अगर हम देखेंगे तो नीचे की साइड यहाँ पर आपको
हैमस्टर और वाइपर जो है यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपके LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे, जिसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो मेरे को पर्सनली लगा है। एक प्रीमियम कार की तरह इसका जो है डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है पार्किंग लाइट इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड उसके साथ नीचे की साइड देखेंगे रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर के ऊपर जो है आपको पियानो ब्लैक फिनिश की एक सराउंडिंग जो है जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है मिल जाएगी आपको। साथ साथ सिल्वर इसके पीछे की साइड फिनिश जो है यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है मिल जाएंगे। AX7L की बैजिंग मिल जाएगी क्योंकि लग्जरी पैक वेरिएंट है। एंड ऊपर की साइड यहाँ पर देखेंगे तो XUV700 की बैजिंग जो है आपको यहाँ पर देखने को रियर में मिलने वाली है। सो ऑल एंड ऑल गाड़ी का रियर जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बाकी दो चीज़ें और रह गई हैं इसके अंदर इसके बारे में जो कि रियर में बता देता हूँ। जो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा आपको महिंद्रा का न्यू लोगो जो है पीछे की साइड यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा। सो ये सब बातें हैं इस सारी गाड़ी के एक्सटीरियर लुक के बारे में। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।